नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम किस्मत कनेक्शन। रोजाना की तरह सुबह सुबह किस्मत कनेक्शन में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए और जान सकते हैं आज का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है, कितना स्पेशल रहने वाला है। फोन लाइन खोल दिए हमने, सभी की सभी नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और पूछिए सवाल जिसका जवाब देंगे हमारी बेहद ही खास मेहमान जो इस वक्त हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में है, नीना वालिया जी। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो नीना वालिया यहाँ पर मौजूद है आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आज का दिन ही नहीं, शिक्षा, रोजगार या फिर शादी या फिर इस तरह के कोई भी सवाल आपके जहन में है कि आपको लगता है काम नहीं बन रहा, तो आप टैरो कार्ड के जरिए जान सकते हैं, एक दिशा ले सकते हैं कि कैसे आप अपने काम को बना सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू भी हो गए हैं। ये रहे नंबर और फोन उठाइए, हमें मिलाइए, पूछिए सवाल। जब तक दर्शक जुड़ते हैं, आज जिनका जन्मदिन है उनका दिन आज कैसा रहेगा, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं नीना जी। जी, जिनका जन्मदिन है उनकी शुरुआत बहुत ही प्यारे तरीके से होगी। उनके मन में जो कार्य करने के प्लान्स बन रहे हैं उसमें वो इनिशिएटिव ले सकते हैं और उन्हें कोई नया मौका भी मिल सकता है और इस अवसर को ना छोड़ें, क्योंकि इस अवसर के उनको अगर वो पकड़ते हैं, उसे पहचानते हैं, तो आगे चल के बहुत ही समझदारी से वो अपने निर्णय ले पाएंगे और उसे बखूबी से निभा पाएंगे। चले, तो जिनका आज बर्थडे है उम्मीद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही ध्यान से नीना को सुना होगा और इस पर अमल करेंगे। अब हम एक एक करके अंकों के हिसाब से देखते हैं कि आज का दिन किसके लिए कैसा रहने वाला है। एक नंबर के लिए क्या कहते हैं आपके कार्ड नीना जी? एक नंबर वाले लोग जो हैं आज अपनी आसपास की पॉजिटिविटी को शायद पहचानने में विलंब कर सकते हैं। उन्हें उनका केंद्रित ध्यान वहीं होगा जहां पे उनका मन थोड़ा उदास हो सकता है। सो ऐसा ना करें, क्योंकि आसपास पहचानें और अपने पोटेंशियल को पहचानें और हैव बिलीफ इन योरसेल्फ, क्योंकि आपके आसपास भी और भी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, जिन्हें आप बखूबी से अपनी जिंदगी में शामिल करके अपना दिन अच्छा बना सकते हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, मधुबाला जी हैं। नमस्कार मधुबाला जी। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 मार्च 1970। और हस्बैंड की है मैम 10 जून 1967। ठीक है, सवाल पूछिए। बारे में पूछना चाहती हूँ मैम, मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। हाँ, और मेरे हस्बैंड के काम के बारे में पूछना चाहती हूँ। चलिए, कार्ड देख लेते हैं। जी बिल्कुल, आपके जो आपने प्रश्न पूछा अपनी हेल्थ के बारे में, तो आपकी हेल्थ का जो इश्यूज हैं वो जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएंगे। आप उनकी नड़ तक पहुंच जाएंगी, उनकी जड़ तक पहुंच जाएंगी और अच्छा अपना जो भी ट्रीटमेंट करा रही हैं आप पे, बहुत ही वो बिल्कुल आप पे आपकी सेहत को अच्छा करने में मदद करेगा। और आपके हस्बैंड के काम के बारे में जो आपने पूछा है, वो जिस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वो दिशा उनके लिए बिल्कुल ठीक है। बस वो अपने निर्णयों को अच्छी तरह समझते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, उनकी मंजिल उनको जरूर मिलेगी। उनको उनका जो अचीवमेंट है, उनके मन में जो गोल्स हैं, वो जरूर उसे अचीव कर पाएंगे। और आने वाले समय में जो थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी हुई है उसे परेशान ना हो, वो जल्द ही खत्म हो जाएगी और वो अपने ऊपर हावी ना होने दें। आने वाला समय जो थोड़ा सा है उसे पॉजिटिविटी से निभाएं और जल्द ही आपकी हर तरीके से बेटरमेंट जरूर दिखाई देगी। चले, तो पॉजिटिव होने को आपको जरूरत है, सकारात्मक सोचिए, दिन अच्छा जाएगा। सीमा एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद है, भिवानी से जुड़ी है। गुड मॉर्निंग सीमा जी। गुड मॉर्निंग मैम, बोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। मैम, मेरा बर्थडे है 29/12/1994 का। ठीक है, सवाल। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जॉब कब तक लगेगी? जॉब कब तक लगेगी?
बिल्कुल नीना आपको आपके सवाल का जवाब देंगी। जी बिल्कुल, आपको अनदर 5 मंथ्स टाइम आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तब तक अपनी जो भी आपको अपनी क्षमताओं के बल पे जो करने की जरूरत है उसमें बिल्कुल ही इन्वॉल्व रहें, और आपके कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत आए हैं। आप बहुत ही डिटर्मिनेशन से, जहां आपका पूरा पैशन लाइक करता है, जो आप करना चाह रही हैं वो आप जरूर कर पाएंगी, क्योंकि आप बहुत ही आत्मविश्वासी महिला हैं और आप अच्छे तरीके से अपनी जॉब को लेके बहुत ही दृढ़ता से आगे बढ़ेंगी और उसे बहुत बखूबी से अपनी स्टेबिलिटी कायम करेंगी। सो ऑल द बेस्ट। चले तो सीमा की तरह आप भी लगातार जुड़ते रहिए और सवाल पूछिए, जानिए कैसा जाएगा आज का दिन आपके लिए, कैसे स्पेशल आप बना सकते हैं या कितना खास रहने वाला है। नवजोत एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, आप फोन लाइन पर नवजोत है। नवजोत जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, बोलिए अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल पूछिए। 3/3/16/1/2000 डेट ऑफ बर्थ। 16/1 हाँ 16/1/2000 ठीक है, सवाल पूछिए। सवाल ये आईलेट्स करके देश जाने के योग है और आगे इस ये साल कैसा रहेगा मेरे लिए, विदेश जा पाऊंगा कि नहीं जी? अभी आपके कार्ड देखकर बताएंगी नीना कि क्या जवाब है इसका। जी अभी आपके विदेश जाने के तो कार्ड्स में इतना पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो अपनी तरीके से आप कोशिश करते रहें, और क्या ऑल्टरनेट आपके स्टेप्स आप ले सकते हैं उस पे आप ज़्यादा फोकस करें, मे बी ट्राई अनदर टाइम, बिकॉज अभी तो थोड़ी सी देर है, अभी पॉजिटिव आंसर नहीं है, सो अभी आप नहीं जा पाएंगे, सो कोशिश करें, मे बी ट्राई अनदर टाइम। चले लगातार जुड़ते रहिए, टैरो कार्ड के जरिए जानिए अपने किस्मत के बारे में, आज कहाँ जाके कैसे कनेक्ट होगा और कितना फायदा आपको मिलने वाला है। फोन लाइन खुले हुए हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। तब तक हम अंकों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, एक अंक वालों का हम देख चुके हैं, 2 अंक के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला जी? 2 नंबर वालों के लिए आज बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, दिस इज विश फुलफिलमेंट कार्ड। जो आपके मन में कोई भी किसी भी तरह की डिजायर रखते हैं तो उसे आज एक परिणाम मिल सकता है, तो अपने मन में जो खुशियां हैं उसे प्रज्वलित करते रहें, क्योंकि हो सकता है आज आपके मन की मुराद पूरी हो। चलिए इसके साथ ही 3 अंक वाले भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर बेताबी मुझ में भी है, ये अंक मेरा भी है जी, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी आज का दिन आपका बहुत ही अथॉरिटेटिव मूड में होगा, यानी कि आप बहुत ही प्रबलता से अपने कार्यों को निभाने की क्षमता रखेंगे। यू विल हैव एन अथॉरिटेटिव मूड टुडे, जिसमें आप अपने चीज़ों को अपने अंडर संभालते हुए नजर आएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने चीज़ों को कर पाएंगे, और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नोट पे आपकी चीज़ें आज कर गुजरने की आप में क्षमता होगी। चलिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही 4 अंक वाले जो टीवी स्क्रीन के उस पार अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब नीना 4 अंक का कार्ड आप निकालेंगे और बताएंगे आज का दिन उनके लिए कैसा है। जी नंबर 4 वाले आज अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते नजर आएंगे, बहुत ही स्टेप्स लेंगे, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बिल्कुल बैठेंगे नहीं, जो उनको करना है उसमें आज मोटिवेटिंगली मॉर्निंग से ही अपनी शुरुआत को बहुत ही कायम करने में आगे बढ़ेंगे। और इस बीच भूलिए नहीं, कॉल करते रहिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, सुबह सुबह का वक्त है, पूरा दिन प्लान कर सकते हैं, तो टैरो कार्ड के जरिए जानिए कि किस तरह से प्लान करना है आपको आज का दिन। दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर नीना हमारे साथ मौजूद हैं। अंक 5 वालों के लिए हम देख लेते हैं कि आज उनका कार्ड क्या कहता है। जी अंक 5 वाले आज थोड़ी सावधानी बरतें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, आसपास के लोगों को पहचाने, कहीं उन्हें कोई धोखा ना दे, कहीं कोई उनसे झूठ बोल के काम ना करवा ले, तो अपने आप को बहुत ही केयरफुल रखें और आसपास के लोगों से भी बच के रहें, और अपनी क्षमताओं पे पूरा ही बिलीफ रखें, क्योंकि अपने ऊपर का जो पोटेंशियल है वो उन्हें आज आगे बढ़ने में मदद करेगा। चलिए हमारे साथ पंजाब से एक दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, मुनि राम हमारे साथ हैं। हेलो नमस्कार सर, मुनि राम जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए इनके साथ संपर्क टूट गया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं एक बार आप फिर जुड़े और जानिए कि आज का दिन कितना स्पेशल रहने वाला है आपके लिए। लगातार जुड़ते रहिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, और सवाल पूछिए, जानिए कि कैसे आज का दिन आप अपने लिए खास बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, और अगर कहीं पर कोई ऑब्स्टिकल है तो उसके लिए भी दिशा दिखाने के लिए नीना यहाँ पर बैठी हुई हैं।
सुरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अगले दर्शक। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। बोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल पूछिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/11/92 है। ठीक है, मुझे गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? गवर्नमेंट जॉब इनके कार्ड में है क्या? नीना आपको जवाब देंगी। जी, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस तो हैं, बट आपको बहुत ही स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आप अपना 100% देंगे, पूरी अपनी क्षमताओं के हिसाब से कॉन्फिडेंटली आप अपने इन्वॉल्व रहेंगे, तो आपकी ये कोशिश ज़रूर रंग लाएगी। और आप अपना, आपके जो कार्ड्स कह रहे हैं, आप में बहुत मैजिकल पावर्स हैं, बहुत सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ विल है। आप अपने अंदरूनी क्षमताओं के बल पर ज़रूर ये अचीव कर सकते हैं। तो कीप ऑल योर स्पिरिट्स हाई एंड ऑल द बेस्ट। चले तो सुरेंद्र की तरह आप भी जुड़ते रहिए, ये एक मौका है और आपका पसंदीदा प्रोग्राम भी, तो बिल्कुल मत बैठिए, चूकिए मत, फोन कीजिए और जानिए आज का दिन कितना स्पेशल आपके लिए रहने वाला है। तब तक हम 6 अंक वालों का कार्ड देख लेते हैं जो अपनी बारी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। इनका कार्ड क्या कहते हैं? जी, नंबर 6 वालों के लिए आज लव एनर्जी से पूरा इन्वॉल्व रहेंगे। इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है इनके पार्टनर्स के साथ। प्रोफेशनली दे विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इनके और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बहुत ही अच्छी प्लान्स बनेंगी। इनमें बहुत ऑनेस्टली से म्यूचुअली जो डिसीजंस लेंगे इनके काम आएगा, और पर्सनली ऑल्सो इनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग आज बहुत ही ऑनेस्ट और सिंसेयर रहेगी। चलिए तो टैरो कार्ड के जरिए किस्मत कनेक्शन में आप जुड़कर अपने दिन को जान सकते हैं, जान सकते हैं कि कोई परेशानी आएगी तो कैसे निपटे, ये जान सकते हैं कि आज आपका किस्मत क्या रंग लाने वाला है। जुड़ते रहिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस ब्रेक के दरमियान भी खुली रहेंगी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। देखिए स्पेशल एट 11 हर रोज सुबह 11 बजे। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी, तो अरोरा साहब आप मेरे साथ जरा स्टेज पे आ जाएं और बाकी लोग बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9999905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेरे हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार,
समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश, सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। देखिए NCR न्यूज सुबह 10 बजे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में। जुड़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, फोन लाइन सभी भी खुली हुई हैं, तो हमारे सभी दर्शक जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। सुबह का वक्त है, पूरा दिन प्लान कीजिए टैरो कार्ड के जरिए। हमारी खास मेहमान नीना वालिया इस वक्त भी ब्रेक के बाद भी हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक 3 अंक हमारे पास बचे हुए हैं, 7, 8 और 9। तो हम 7 अंक वालों का देख लेते हैं कि आज उनका कार्ड उनके लिए क्या बोलता है। 7 अंक वाले आज बहुत ही काम करने के मूड में होंगे, दे विल बी वेरी वेरी एक्टिव, और जो उनके प्लान्स हैं उसे वो लोगों से मिलके उससे अच्छे प्लान बना के बहुत ही बखूबी से अपने पूरी क्षमताओं से उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। चलिए इससे पहले हम अंकों में आगे बढ़े, हरियाणा प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कितना स्पेशल होगा, आज का दिन कितना खास रहने वाला है हरियाणा के लिए। जी, हरियाणा प्रदेश वालों का दिन आज बहुत ही प्यारे नोट से शुरू होगा, यानी वो बहुत ही लोगों को मदद करते नजर आएंगे, बहुत ही जेनरस मूड में होंगे, मदद देंगे, मदद लेंगे और बहुत ही प्यार बांटेंगे। दे कैन गो नॉस्टैल्जिक ऑल्सो, आज उन्हें उनकी पुरानी यादें बातों के बेस पे बहुत याद आएंगी और पुरानी मोमेंट्स को वो एंजॉय करेंगे अपनी यादों में, उनको बहुत अच्छा लगेगा। पुराने लोग उनकी जिंदगी में आज जुड़ सकते हैं जो उनकी पास्ट लाइफ में उनके काफी रोल प्ले कर चुके हैं, सो उनका आज काफी योगदान रहेगा और काम के प्रति जो उनकी जर्नी ऑन है उसमें अच्छे डिसीजंस लेते नजर आएंगे और आगे बढ़ते नजर आएंगे। अगर उन्होंने कोई गाड़ी की बुकिंग की है तो जिनको गाड़ी चाहिए वो लोग भी आज आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड डे फॉर देम, और बहुत ही अथॉरिटेटिवली आज उनका दिन जाएगा, कॉन्फिडेंटली अपने चीजों को निभाएंगे। चले, पूजा हमारे साथ जुड़ गई है इस दरमियान एक दर्शक। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1886। अब पूजा आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 1886। चलिए सुन नहीं पा रहे हम पूजा, आपको माफी चाहेंगे। पूजा एक बार फिर अगर हमारे साथ आप जुड़े तो जरूर नीना आपके सवालों का जवाब देंगी। किस्मत कनेक्शन में जुड़ते रहिए, जानिए आज का दिन आपके लिए कैसे जाने वाला है। सलोनी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है, नमस्कार सलोनी। सलोनी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए इनके साथ भी संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते रह सकते हैं। टाइम, वक्त बहुत कम बचा हुआ है कार्यक्रम में, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपने सवाल का जवाब यहाँ पर ले नीना वालिया से, जब तक कि मैं नंबर 8 वालों के लिए आगे बढ़ूंगी नीना जी। लेकिन गोल्डी हमारे साथ जाखल मंडी से जुड़ गए हैं, पहले इनका सवाल ले लेते हैं। गुड मॉर्निंग गोल्डी। भूमिका जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा जन्म है 15/1/1987। हाँ मैम, एक तो मुझे काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मनी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है जी, तो उसके लिए बताइए क्या करना चाहिए मुझे। जरूर नीना बताएंगे आपको, वो आपके कार्ड देखना शुरू भी कर चुकी हैं। जी, आपके काम में जो दिक्कत आ रही है, बट आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो आप प्लान्स कुछ बनाए होंगे, मेंटल वर्क आपने किया होगा, उसमें आपके एग्जीक्यूशन शुरू हो सकती है, यानी कि कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, ये अपने प्लान्स जो आपने बनाए हैं उस पे आप एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में आप बहुत ही अच्छा उसको हैंडल करते नजर आ रहे हैं, जिसमें आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं। सो अगर आपने कुछ ऐसा सोच रखा है तो उस पे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी उसमें अचीवमेंट नजर आ रही है, तो आप में मैजिकल एनर्जीज हैं, यानी कि क्षमता है, तो आप अपने क्षमताओं को पहचाने और आगे बढ़े, आप जरूर कामयाबी पाएंगे।
चले तो गोल्डी की तरह आप भी जुड़े और जानिए आज का दिन आपका आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपका किस्मत आज क्या बोलता है, क्या कुछ खास होने वाला है। नीना आपको जवाब देंगी। नीना तब तक हम 8 अंक वालों की बारी थी, उनके कार्ड्स देख लेते हैं कि कितना स्पेशल आज का दिन उनके लिए रहेगा। जी नंबर 8 वाले आज अपनी चीजों को बहुत बखूबी से मैनेज कर पाएंगे सिचुएशन कैसी भी हो, और बिल्कुल अगर स्टॉर्मी सिचुएशन है, वेदर इज रफ, इट्स नॉट स्मूथ, बट देन ऑल्सो आप में वो क्षमता होगी कि आप चीजों को संभाल पाएंगे, रिश्तों को भी संभाल पाएंगे और अपने फाइनेंसेस को भी अच्छी तरह किसी तरह मैनेज करने में बिल्कुल कर पाएंगे। सो हैव बिलीव इन योरसेल्फ, इट विल बी अ फाइन डे फॉर यू। बिल्कुल मुख्तियार सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी हाँ जी पहुंच रही है। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी बहन जी। हाँ जी हाँ जी सिंह साहब आप टीवी सेट को सुनकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में हम ज्यादा देर तक आपके साथ बने नहीं रह पाएंगे। हम नंबर पर आ जाते हैं वापस और जानते हैं कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहने वाला है। नंबर 9 के लिए जी, नंबर 9 वाले आज बहुत ही बॉन्डिंग में रहेंगे, बहुत ही अच्छे रिश्तों को स्टेबिलिटी करने स्टेबल करने में स्टेप्स लेंगे और ऐसी कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे उन्हें कोई बिल्कुल ऐसा ना लगे कि उनके कोई कमी नजर आए। तो बहुत ही सिंसेरिटी से अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को एक अच्छी पहचान दे पाएंगे और आगे बढ़ेंगे अपने रिश्तों को और स्टेबलाइज करने में। चलिए तो ये पूरा आधे घंटे का कार्यक्रम आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है या फिर हो सकता है, जिसमें हमारा भरपूर साथ दिया रीना वालिया ने। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई और हमारे दर्शकों के हर सवाल का आपने जवाब दिया, बहुत धन्यवाद नीना। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।